अगर जेल में बैठा राम रहीम नकली है तो असली कहाँ है? ये सवाल अब तक सबके जहन में आ रहा है। क्या वाकई जेल में जो राम रहीम है वो नकली है? और वहीं दूसरी तरफ राम रहीम की मुंह बोली बेटी का भी कोई पता नहीं है। अब ऐसे में हर जगह एक ही चर्चा है कि हनीप्रीत और राम रहीम कहीं एक ही साथ तो फरार नहीं हो गए। अगर ऐसा है तो ये प्रशासन के ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा कर देगा। दरअसल हाल ही में एक न्यूज चैनल ने दावा किया कि कालकोठरी के अंदर जो राम रहीम अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं वो नकली राम रहीम है, यानी कि बाबा राम रहीम कहीं और है और उसकी जगह पर जो सजा काट रहा है वो नकली है। ऐसी बहुत सी खबरें हैं सोशल मीडिया में बाबा को लेकर जो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही हैं। मामला कहां से शुरू हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल बाबा राम रहीम की एक तस्वीर 15 अगस्त 2017 की है। 15 अगस्त को सिरसा डेरे में हुए कार्यक्रम में राम रहीम के बाल बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि 25 अगस्त को जब साध्वियों से रेप के मामले में सुनवाई हुई तो राम रहीम के बाल बहुत बड़े थे। अब सोशल मीडिया पर इन दोनों तस्वीरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बाबा ऐसा कौन सा तेल लगाते हैं जिससे सिर्फ 10 दिन में ही बाल इतने बड़े हो गए? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके बाद लोगों का ये भी मानना है कि राम रहीम कहीं अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के साथ गायब तो नहीं हो गए। आशंका ये भी जताई जा रही है कि बाबा राम रहीम खुद बेटी हनीप्रीत के साथ विदेश फरार हो चुका है। हालांकि इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।